Another term, right? Leg pain, especially knee pain. That's already been told so much about. Just join the program and everything will be taken care of. Let me get to the next question. Pain in both legs when I lie down at night, leg cramps. Srinivasan ji asking this question. Cramps in the leg is becoming pretty common. And in this season is Grishma. Grasati ase Sleshma is Grishma. When this season sucks out juice from the body, this is Grishma. And people, many people might get a lot of cramps and pain and weaknesses in their body. Another reason for this is the dehydration factor, which has increased in human body. अच्छा आप मुझे बताइए कि आसपास में पानी कहाँ है आपके? जमीन के नीचे पानी कहाँ गया? The water table has gone down, isn't it? ताल, तालाब, सरोवर कहाँ पे? No water. So there is almost like a scarcity of water for your body. Proximity of water has come down drastically in the last almost like 20 to 25 years. So water is that element which actually integrates your system. So one reason is dehydration factor increasing. Dehydration aapke body mein zyada ho raha. The second factor is inflammation. Dehydration ki wajah se aapke sharir ke andar mein inflammation hota. So many people might be facing acidity, gas issues, indigestion, acid reflux, irritable bowel syndrome, constipation, uric acid increase. ये सब चीज आप common देख रहे हैं ना आजकल बहुत हो रहा है. कई लोगों के हाथ पाँव में जलन होता है, inflammation, जलन होता है हाथ पाँव. So inflammation factor in the body has increased. ये inflammation कैसे increase होगा? इन्फ्लेमेशन कैसे इंक्रीज होता है? आपको कोई भी बात समझना है ना तो आप अपने रिलेटेबल टर्म्स में लिखो. ये जो अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द होते हैं ना इससे नहीं समझ में आता. आपको लगता है कि समझ में आता नहीं तो आप खरोच लो अपने हाथ को विथ योर नेल्स. अपने हाथ को ऐसे खरोचोगे ना खरोच लें जोर से तो इन्फ्लेमेशन होगा जलन होगी ना जलन होती है ना दैट इज इन्फ्लेमेशन. तो बाहर खरोच से जोर से खरोच लिया फिर जलन को खत्म करने के लिए क्या करें? What is the easiest method to drop the inflammation or put down the inflammation? कोई घी घी लगा लो वहां पर. घी लगाने से जलन कम होता है ना कम होता. सो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसे आ रहा? द मोमेंट यू पुट अ केमिकल पिल इनसाइड. जैसे ये केमिकल दवाई आप डालते हो इट्स अ केमिकल बॉम्ब विच हिट्स योर लिवर. ये लिवर के ऊपर ये हमला करता है ऐसे ही खरोचना जैसा. स्कारिंग ऑफ लिवर हो रहा है ना इसी वजह से. इसको लिवर सिरोसिस कहते हैं. आजकल बहुत बढ़ रहा है लिवर सिरोसिस. फैटी लिवर सुना है ना आपने? लिवर वीकनेस. फैटी लिवर क्यों हो रहा? क्योंकि आपने तो जलन पे घी डाल दिया. लिवर भी तो घी डाल के कम करेगा तो फैट बढ़ाएगा ना अपना. तो बचा रहा है बेचारा अपने आप. आप उसका रिस्क कम नहीं कर रहे और फैट खत्म करने की कोशिश कर रहे. क्या ये सही ट्रीटमेंट है? ये तो गलत ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं? सो द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज केमिकल इनसाइड योर बॉडी गेट्स इन्फ्लेमेटेड. लिवर से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता. एंड विच एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज वीक स्पेशली द जॉइंट्स. जॉइंट्स पे क्योंकि टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होता है. क्योंकि आपके जॉइंट्स में सेलुलर वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है. इन्फ्लेमेशन का असर सबसे ज्यादा वहां पे होता है. देन ऑल्सो लिम्फैटिक नोड्स, लिम्फ नोड्स कहते हैं इनको, वहां पे इन्फ्लेमेशन का असर सबसे ज्यादा होता है. तो आपके शरीर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ज्यादा बढ़ता है. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू हैव सम क्रॉनिक एलमेंट जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इश्यू, थायराइड इश्यू, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जैसे मैंने वेबिनार में भी बताया, अगर इन आप कमजोरी आपके इन्फ्लेमेशन आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में ज्यादा हो दैट मीन्स
आपका उदान एस्पेक्ट वीक है, आप खुश नहीं हो पा रहे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, आप हल्के नहीं फील कर पा रहे, योर बॉडी इज नॉट फीलिंग लाइट। आजकल तो है ना, कोई भी खुश नहीं हो पाता, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी खुश नहीं है कोई। सो उदान एस्पेक्ट, अपने को ऊपर उठाने का जो एस्पेक्ट है बहुत वीक। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीक चीज कहां पे है। इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड योर बॉडी। तो आपके शरीर की शक्तियां कम हो गई। हाँ, जैसे उदाहरण एक बताया, डाइजेशन इश्यू आजकल सभी को है ना, तो गारे पत्ते अग्नि, वो फोर्स कम हो गया, वो अग्नि कम हो गई आपका। ब्लड प्रेशर हार्ट इश्यू है तो दक्षिणाग्नि कम हो गई। आपकी लाइफ में अगर सेलिब्रेशन कम है तो आह्वानीय अग्नि कम हो गई। छह बल होते हैं आपके शरीर, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ऐसे बल हैं आपके शरीर, ये कम होते जा रहे। तो भोजन से क्या ठीक हो जाएगा? वो अच्छा भोजन करेंगे नहीं, उसको भी तो बल लगता है पचाने में। अगर आपका शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो कैल्शियम देंगे कितना भी तो भी आपके शरीर को कैल्शियम नहीं मिलने वाला। इसीलिए एक भी इंसान का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ आज तक, भाई कैल्शियम की कमी है। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर। तो आप कैल्शियम कितना भी खाएंगे तो वो क्या ले लेगा? नहीं ले पाएगा, उसका वो बल कमजोर है। तो करना क्या है? कैल्शियम सप्लाई करना है नहीं, उससे कैल्शियम किसी का मिलेगा नहीं किसी। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं 200%। ऑस्टियोपोरोसिस एक इंसान का नहीं जाता, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की, सोखने की जो शक्ति है आपके शरीर की वो बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो आप सोखते कैसे हैं? सोखते कैसे हैं? जूस को कैसे खींचते? हाँ, आपके सांस का बल चाहिए ना, खींचने का बल चाहिए, इसी को कुंभक कहते हैं। तो जब आप कुंभक करते हैं तो अपने शरीर की शक्तियों पे काम करते हैं, और वही कमजोर है। कमजोर इंसान के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कंपन भी होता है। इट इज नॉट जस्ट कि उसमें जलन है या फिर दर्द है, कंपन कांपेगा भी, चलेंगे तो कांपेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, चक्कर आते हैं। तो इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर की शक्तियां कम हो गई, भोजन से नहीं बढ़ेगा, बढ़ेंगी शक्तियां। फूड इज नॉट अ सोल्यूशन, इट कैन बी अ लिटिल सपोर्ट। देन व्हाट एल्स? दवाइयां, मेडिसिन? नो, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। इमरजेंसी में आप ले लो, वो एक अलग बात, बहुत अगर सिचुएशन खराब हो गई, समय ले लिया, वो एक अलग बात है, बट वो कोई सोल्यूशन आपको नहीं देगा। पिछले 100 साल की हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री आपके सामने रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा दवाई से लोग और ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा। थोड़े समय के लिए वो मैनेज कर लेता है मगर आपको और कमजोर कर देती है दवा। तो एक तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ मैनेजमेंट। मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। बहुत जरूरी हो तो कर ली, अदरवाइज आपकी लाइफ को अच्छा नहीं बनाए और खराब करते। फूड इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज गुड टू हैव अ गुड फूड बिकॉज इट इज गुड सपोर्ट। एक्सरसाइज की हिम्मत ही नहीं है, और करेंगे भी तो वो आपके एक्सटर्नल बॉडी पे काम ज्यादा करेगा। इन तो 50 साल का सबसे हेल्दी स्पोर्ट्स का बंदा अभी हार्ट अटैक आ गया, इतना एक्सरसाइज करने वालों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक्सरसाइज आपके बाहरी शरीर पे अच्छा काम कर, मगर आपके लिवर पे, हार्ट पे, किडनी पे इतना ज्यादा उसका असर नहीं होता, और अंदर के ऑर्गन हमारे कमजोर, उसके फंक्शन कमजोर। तो जरूरी है इस पे काम करना। आज इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है अंदर काम करना, और अंदर काम करने के लिए कुंभक इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई और चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ये जरूरी है, आप करेंगे वैसे ही आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, आपके शरीर की बाकी कमजोरियां देखिए। हमारे जितने लोग करते हैं ये अष्टांग चिकित्सा, इसमें कोर कुंभक है, वो कहते हैं करते ही हमें बहुत एनर्जी आती है और हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं।
नींद की जितनी आवश्यकता नहीं है, आज हमको खुशी है, हम काम करने में खुशी होती है, शरीर हल्का लगता है, मन में हल्का लगता है, मन में उल्लास है थोड़ा, ये कहां से आया? आपके शरीर से ही आया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपका शरीर मैजिक, इसको सपोर्ट कीजिए और ये आपके जीवन में इस तरीके का चेंज लेके आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। देर के नॉट बी अ मैजिकल पिल, बट योर बॉडी इज मैजिक, वर्क अपॉन इट एंड यू विल सी द मैजिक।